नदियों में अभी मछली मारना प्रतिबंधित है, लेकिन अभी भी असामाजिक तत्वों द्वारा मछली मारी जा रही है। जिसे लेकर आज मत्स्य विभाग और ठेकेदारों की संयुक्त टीम ने नर्मदा नदी के सहस्त्रधारा में दबिश दी। आपको बता दूं कि मंडला जिले में 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक मत्स्य आखेट में मछली मारना प्रतिबंधित रहता है। यह समय मछली प्रजनन काल का होता है और मछलियां उल्टी दिशा की ओर आकर अंडे देती हैं। बताया जाता है कि यह समय मछलियों की बढ़ोतरी का सही समय होता है और इस समय मछलियों का शिकार नहीं किया जा सकता, पर कुछ असामाजिक मछुआरों द्वारा लगातार शिकार किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मत्स्य विभाग के उच्च अधिकारियों और ठेकेदारों से की गई थी। देखिए, 15 जून से 15 अगस्त तक मच्छी मारना बैन है, क्योंकि मच्छी अंडे पर रहती है। यही मच्छा सहस्त्रधारा में आके अंडे देती है, और जिसके कारण अगर अंडा सक्सेस हो जाता है तो हमारे डैम में मछली का उत्पादन ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन यहाँ के लोग मानते नहीं हैं, जिसके कारण हम लोग सर्चिंग टीम बनानी पड़ती है। आराम साहब जो मोहने जी हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है, और जैसे कि हम लोग ने जगह जगह तंबू लगा रखे हैं कि जिससे कि हम इन्हें मच्छी ना मर सके, हमारी स्पीड बोट रात दिन सर्चिंग कर रही है। देखिए, हमारा नुकसान तो ठीक है, नुकसान तो सभी का होता है, क्योंकि मछली अगर अंडे पे मर जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान है डैम के लिए भी और जो मछुआरे उनके लिए भी है, क्योंकि जब मच्छी के बच्चे ही नहीं रहेंगे तो एक समय मछली यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो उसको रोकथाम करने के लिए हम 15 जून से 15 अगस्त तक सर्चिंग टीम अपनी बनाए हुए हैं। आपके क्षेत्रीय प्रबंधक जी मोहिनी जी के नेतृत्व में, हमारी टीम के नेतृत्व में हम लोग सर्चिंग रात दिन करते रहते हैं, जिसे लेकर आज कार्रवाई की गई है। विभाग ने नदी में चल रही नाव और जालों को जब्त कर लिया है और लोगों को आगे से ऐसा न करने की समझाइश दी है। सर, हमारी असल में क्या है, ये मध्य प्रदेश शासन की तरफ से 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक ये मत्स्य प्रजनन काल घोषित किया गया है। इस दौरान मछली मारना सख्त मनाही है, मतलब जो मछली मारते पकड़ाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो मछलियाँ हैं प्रजनन काल में विपरीत दिशा में आती है, और ये सहस्त्रधारा में क्या पानी का बहाव जब आता है तो मछली विपरीत दिशा में प्रजनन काल के लिए यहीं पर आती है। इस दौरान यहाँ पर असामाजिक तत्वों के माध्यम से जो मछली मारते हैं तो उनको समझाते भी हैं और समझाई भी जाती है। यहाँ के आसपास की जो मछुआ सरकारी समितियाँ हैं उनके अध्यक्षों को मीटिंग लेकर भी अवगत कराया जाता है कि इस दौरान बिल्कुल मछली नहीं मारे, और प्रजनन काल में मछली मारने से उत्पादन भी प्रभावित होता है और जलाशय का मछलियाँ भी मतलब प्रजनन स्पष्ट रूप से नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में बार बार इन लोगों को सचेत करना पड़ता है और आकाश में सिर्फ चेकिंग भी की जाती है। आज हम लोगों के द्वारा अनुबंध निर्देशक के माध्यम से और हमारी समस्त जबलपुर की टीम और मेरे स्वयं के माध्यम से भी यहाँ पर आकस्मिक रूप से निरीक्षण किया गया और आसपास की गतिविधियों को देखते हुए कुछ मछुआरों को भी समझाया गया जिनकी किस्तें पानी के अंदर थी, हमने तत्काल उनको बाहर करवाई और पुनः उनको अवगत कराया कि आप 15 अगस्त तक के किसी भी कीमत पर किसी मछली मतलब मछली मारना सख्त मना है और अपनी बोट पानी के बाहर 200 मीटर की दूरी पर रखे जलाशय के बाहर। अभी तक हमारे द्वारा मतलब जो जलाशय के अंदर जाल चोरी छुप के डाले जाते हैं इनके द्वारा, तो हमारी स्पीड बोट और हमारे उपलब्ध संसाधन के माध्यम से, हमारी सर्चिंग टीम के माध्यम से हमने अभी तक 20-22 प्रकरण बनाए हुए हैं और कम से कम 7-8 क्विंटल जाल जब्त करे हैं और 7-8 किस्तियाँ जब्त करी हैं, और ये कार्यवाही निरंतर 15 अगस्त तक हमारी सर्चिंग टीम के माध्यम से, मेरे स्वयं के माध्यम से भी और अनुबंध के सहयोग से भी हम निरंतर करते रहेंगे। इसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग भी हमको मिल रहा है और निरंतर लेते भी रहेंगे।